करो, बस इतने ठहरे हुए अभी मसला हमने आज बात कर रहे थे, आज ऐसा करे थे, आज ऐसा करे थे। सुबह की नमाज़ पढ़ के पूरे निकल गए और अभी जाओगे फिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट डिंडी प्रोजेक्ट गांव से आए, हैदराबाद आ चुके हैं। ये हमारा एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हो चुका है, उस मसले पे बात मस्जिद के ताल्लुक से हम बात करने के वास्ते ये हम हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास हम आज मिलने के वास्ते आए। हमारी मुलाकात हुई, असद साहब हमारे बारे में मालूम करके वो MLC साहब को हमारे साथ वक्फ बोर्ड को भिजाए और वक्फ बोर्ड को आने के बाद MLC साहब सलीम साहब से बात करें इस ताल्लुक से मुतवल्ली को जल्द से जल्द हटाने के वास्ते। हमारी पूरी उम्मीद है वक्फ बोर्ड इसके ऊपर तवज्जो ले, जल्द से जल्द इसको हटाए। आप लोग कितने साल से वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं? तकरीबन 2014 से वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा रहे। अभी हमारे को उम्मीद मिली कि असद साहब के तरफ से उम्मीद मिली, आज हम असद साहब से भी मिले, हमारे को आज मुतमईन हुआ, हमारा एश्योरेंस भी मिला, आज कम काम हुए जैसा, अल्लाह का घर आबाद हुए जैसा हमारे को आज मौका दिख रहा। हमारे को बहुत बड़ी उम्मीद है, हमारे को आज तफसीलत से देखे तो आज हमारे MLC साहब को वक्फ बोर्ड को भिजाए और सलीम साहब भी इसके ऊपर जल्द से जल्द इसका मसला हल करेंगे बोल के हमको उम्मीद दिला। कोई वक्फ बोर्ड की टीम फिर उसके बाद वहाँ पर दौरे के लिए आई? नहीं, इससे पहले जो आई लास्ट मंथ अक्टूबर में आई थी हमारे पास, बस वही टीम आई और ये बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड एम्प्लाइज ये बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जब उन लोगों की जब मीटिंग बैठती तब उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम ये जो भी वीडियो देख रहे व्यूअर से हमारी एक उम्मीद है, हम जो मसले के अल्लाह के घर के आबाद करने के वास्ते आज कई बार आ चुके हैं, 2014 से कई सौ मरतबा हम लोग वक्फ बोर्ड के पास आए, कई कायदीन के पास गए, हमारे जो कायदीन हैं उनके पास भी गए। हम पूरी उम्मीद लेके आज हमारे वक्फ बोर्ड के पास थोड़ी उम्मीद मिली अल्लाह के घर आबाद करने के वास्ते। ये नहीं कि अल्लाह के घर को आबाद करने हमारे पास माली तौर पर ताकत है, पूरे गाँव वाले चंदा करके हर एक इकट्ठा करके इमाम साहब को मेंटेन करने का से हम तैयार है, लेकिन हमारे एक मुतवल्ली साहब का प्रॉब्लम रहने की वजह से उन्होंने इमाम साहब को नहीं ला रहे, अल्लाह का घर वीरान रह रहा है, उसको आबाद करने के वास्ते हमारी पूरी कोशिश लगी हुई है। आप हमारे वास्ते ख़ास कर पूरे जितने भी ये वीडियो देख रही है हमारे वास्ते ख़ास कर दुआ करिए, जल्द से जल्द हमारा मसला हल हो चुके और मस्जिद आबाद रहे। नहीं, लोग ये समझ रहे हैं कि क्या मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, आवाम ये समझ रहे हैं कि मस्जिद में नमाज नहीं हो रही। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही आप बोलना चाहे तो, मस्जिद में तो नमाज नहीं हो रही, फिर भी हम आप जो भी वहाँ पे नहीं है आप जितने भी में नमाज नहीं हो रही। जी नमाज हो रही, मतलब एक इमाम साहब को लाए थे, एक हफ्ते में 4 इमामों हमको बदलाए, गए 100 महीना ये एक महीना डेढ़ महीने में 8 इमामों को बदलाए, जो मुतवल्ली साहब पूरा इमामों को बदलाना, जो भी पूछते उन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ तो कुछ बयान दे देना, फ़िरका परस्ती का कुछ तो भी एक बयान लाना, ऐसा करके लोगों को डाइवर्ट करना नमाज को आने, और मस्जिद को अगर से गए तो फ़ैन भी नहीं डाल सकते हम मस्जिद में, पानी का इंतज़ाम भी अगर से हम पानी का इंतज़ाम जुमे के दिन की नमाज़ कैसे लोग आते मुसल्ली आते बोल के पानी का इंतज़ाम भी करना गुनाह है, कोई भी कुछ भी कर दिए तो उन्होंने पुलिस वालों के हमारे खिलाफ़ केस बुक करना, कुछ भी कुछ कर दे रहे, जो एम्प्लॉयज़ है उनके ऊपर खिलाफ़ कर देना, जो मौजूद ही नहीं रहते उनके खिलाफ़ केस बुक कर देना, हमको ऐसी तकलीफ़ थी। रिसेंटली आप लोग के ऊपर भी कुछ केस बुक किया गया था? जी हमारे खिलाफ़ कई केसेस आए, हमारे ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी हमारे खिलाफ़ केस डाले, हाई कोर्ट में भी डाले और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डाले कि हम एक वहाँ पर पुराना तहारत खाना था निज़ाम गवर्नमेंट के टाइम पे, उसको डिसमेंटल करे बोल के डाले, लेकिन हम डिसमेंटल करे बराबर, लेकिन वो डिसमेंटल करने की वजह ये थी ये इसके जो पुराने स्ट्रक्चर के पत्थर काम में आता बोल के इसको डिसमेंटल करके नया तहारत खाना 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करा के नया तहारत खाना बनाए थे, लेकिन वो मुतवल्ली साहब ये नहीं बताते कि हम बनाए बोल के इसको डिसमेंटल करे बोल के बता रहे, लेकिन नया बनाए ऐसा डेवलपमेंट करे बोल के नहीं बता रहे, हम उसको कब्ज़ा करने को देख रहे बोल के हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे। जो भी वीडियो देख रहे हमारी लोगों से उम्मीद है, हमारे से दुआ करिए ये जल्द से जल्द हमारा मसला हल हो चुके बोल के।